हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम 2021। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 भूगोल का फुल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, विषय आज का हमारा भूगोल, जो कि आपके आज ही प्रथम मूल्यांकन पत्र जारी किए गए हैं, इनको आपको हल करना है। तो आप इस वीडियो में आप भूगोल का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आपको निर्देश दिए हैं, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये हम पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ी वीडियो लेंदी या बड़ी हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक हैं, तो मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। ओके, ऑप्शन आ फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन दो, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेकेटियस को। ओके, तो आपको क्या कर लेना, हेकेटियस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो वर्गों में विभक्त किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो स्टूडेंट ये किया है हटिंगटन ने, है ना। चौथा देखते हैं, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की, तो ये किसने की थी? तो स्टूडेंट ये किसने की थी? ये की थी ग्रिफिथ टेलर ने। ओके, चलिए प्रश्न पाँच देखते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिभाषा प्रस्तुत की, तो ये किसने की? तो ये स्टूडेंट किसने की? एलन सैंपल ने की। प्रश्न छह देखिए स्टूडेंट कि एंथोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं, तो आपको बताना इस पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं रेट जेल। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न सात देखते हैं, निम्न में से जर्मन भूगोल वेता नहीं है, आपको बताना कौन निम्न में से जर्मन भूगोल वेता नहीं है? तो ये कौन है? एलन सैंपल जर्मन भूगोल वेता नहीं है। प्रश्न आठ देखिए, निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नाइन कि 2018 के अनुसार विश्व में एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है, तो आपको जनसंख्या घनत्व बताना है एशिया महाद्वीप का, तो ये 146 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये कौन सा? ऑप्शन था घनत्व। ओके, क्वेश्चन 11 देखिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो ये कितनी? 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। प्रश्न 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारण भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। ओके, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं, किस जनगणना में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी जनगणना में प्रथम बार शामिल किया? तो किसको? ये किया 1981। ओके, 1981 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 14 देखते हैं, भारत में सभी अवधियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपको बताना है किस देश का सर्वाधिक है जो अप्रवासी हैं भारत में। ओके, तो ये किसका? इसका है बांग्लादेश। ओके, चलिए प्रश्न 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये कौन सा? 8400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए, यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT GV मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। ये कौन सा नहीं है? ऑप्शन है जलाभाव एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रश्न 16 देखिए, विश्व की जनसंख्या सन 2018 में कितनी थी? हमें पूरे वर्ल्ड की बताना है। ओके, नॉट केवल भारत की नहीं, विश्व की। ओके, तो स्टूडेंट विश्व की जनसंख्या कितनी थी 2018 में? तो ये 760 करोड़ थी। ओके, चलिए प्रश्न 17 देखिए स्टूडेंट, प्रश्न 17, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसकी लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? स्टूडेंट इसका थोड़ा डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। 18वां देखिए कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कहाँ निवास करता है? तो ये कहाँ निवास करता है? ये करता है उत्तरी ध्रुव प्रदेशों पर। ओके, चलिए 19वां देखिए प्रश्न क्रमांक कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं हैं, तो ये भौतिक कारक कौन से नहीं है? औद्योगीकरण भौतिक कारक नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है, तो ये क्या? जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्लास 12 भूगोल की ये कंप्लीट होती है।
ओके, ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री मैथ इंग्लिश की नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर यूट्यूब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।